Assalamualaikum guys, welcome back to another vlog. A very very happy good morning from Kaiser Slot and Gemini. और अभी सुबह के 9:15 हो रहे हैं और मेरी क्लास जो है वो 10 बजे शुरू होगी. और अभी मैं यहाँ पे बस अभी बस के लिए निकलने लगा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि अभी जो क्लासेस हैं वो बिल्डिंग्स जो है ना कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि पहले जाके मुझे उनको हैसल करनी पड़ेगी, पहले उनको फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे, यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है तो जी अपना डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, तो आपको जब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को ढूंढना होता है तो उसमें जरा थोड़ा सा टाइम दरकार होता है आपको. तो अभी जी मैं निकलता हूँ क्योंकि अभी आज मैं थोड़े से काम भी करने, आज मैं थोड़ा सा अपार्टमेंट भी अपना जो है सामान भी थोड़ा सा शिफ्ट करना है, एक दूसरे बंदे के पास रखवाना है क्योंकि पहले से मेरा कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है. और ये वाले कमरे को आज फाइनली मेरा आज आखिरी ब्लॉग मैं इसके अंदर शूट कर रहा हूँ. वैसे तो मैं आता रहूँगा, यहाँ पे जो भाई रहते हैं उनको मैं जानता हूँ तो उनसे मिलने के लिए, लेकिन अभी जो हमारा जो शिफ्टिंग है वो किसी और कमरे में होगा. तो फिर अभी आपको मिलेंगे एक नए कमरे के अंदर ब्लॉग करते हुए. तो अभी पहले जी मैं निकलता हूँ यूनिवर्सिटी के लिए. अभी जी हम मौजूद हैं अपने बस स्टेशन के ऊपर. बस जो है अभी 9:22 पे आएगी और अभी 9:20 हो रहे हैं, सो अभी किसी भी मिनट में बस आ जाएगी और उसके बाद फिर हम जाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी. अभी जी मैं यूनिवर्सिटी पहुंच चुका हूं और यूनिवर्सिटी के अंदर आज इतना रश है ना, क्योंकि आज मेरे ख्याल से सब क्लासेस की जो क्लासेस हैं आज वो स्टार्ट हो रही हैं, सो बहुत सारा रश है यहां पे. अभी मैं अपना बिल्डिंग ढूंढने में स्ट्रगल कर रहा हूं कि बिल्डिंग कहां पे, और मेरी क्लास भी शुरू होने में 15 मिनट रह गए. आई होप सो कि क्लास शुरू होने से पहले अपनी बिल्डिंग फाइंड कर लूँगा. अभी जी हम लोग क्लास लेके बाहर आ गए. क्लास जो थी वो बड़ी कम टाइम की थी, 10 से 15 मिनट की, और जब मैं निकला था उस टाइम धूप निकली हुई थी हल्की हल्की, और इस टाइम बारिश होने लगी है. मौसम जो है ना पीछे इज जस्ट लाइक अमेजिंग है. अभी ऊपर काले बादल छाए हुए हैं और इस टाइम हल्की हल्की बारिश हो रही है. एज़ यू कैन सी ऑन माई जैकेट इट्स रेनिंग. और अभी जो हमारी दूसरी क्लास का टाइम होने वाला है, अभी 12:15 हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं दूसरी क्लास में, और उसकी बिल्डिंग जो है ना वो मिल नहीं रही. उसकी क्लास का जो टाइम हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं यहाँ पर बिल्डिंग, लेकिन वो बाद में मैसेज भी आ चुका है ग्रुप के अंदर कि वो ऑनलाइन होगी, तो कोई मसला नहीं, अगर आप क्लास में नहीं आ सकते तो आप जाके ऑनलाइन भी उसको ले सकते हैं. तो अभी हम ऑनलाइन उसका लिंक लगाते हैं और वो देखते हैं. जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि अभी जी मैं खड़ा हूँ TU काइज़र स्लॉटन के अंदर, और जैसे कि अभी मेरा कैमरा मैन अगर आपको इधर उधर सराउंडिंग में दिखाया तो यहाँ पे बारिश हो रही है, फुल हैवी किस्म की, फुल तेज़ बारिश हो रही है. और मैं इस ये जो अपना गुंबद सा बना हुआ है एक छोटा सा, इसके अंदर खड़ा हूँ. यहाँ पे ये लोग स्टॉल लगाते हैं, लेकिन अभी स्टॉल के बजाय जो है ना मैं इसकी यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो छतरियाँ अपने ना निकाल दी हैं. और यहाँ का वेदर जो है वो बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल सा है. जो भी लोग हैं यहाँ पे आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर वो हर टाइम जो है ना अपने बैग में छाता रखते हैं, और मैंने भी बैग में छाता रखा हुआ है, लेकिन यह है कि मैं थोड़ी देर बाद निकालूंगा और फिर मैं जाऊंगा अभी क्लास लेने वाली साइड पे जहाँ पे हमारी क्लासेस हो रही हैं. अभी जो हमें पता चला है फ़ोन पे कि जो क्लास है वो ऑफलाइन हो रही है, और अभी हम पहले जाएँगे और फिर पहले बिल्डिंग को फाइन करेंगे, वहाँ पर जाकर क्लास वगैरह लेंगे. और जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पीछे जो लोग हैं जिनके पास छाता नहीं है, उन्होंने अपनी अपनी टोपियों का सहारा बनाया हुआ है बारिश से बचने के लिए. फुल तेज़ों से फुल पार से इस टाइम बारिश हो रही है. अभी बस बिजली नहीं चमक रही, बाकी जो वेदर है वो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है. अगर यहाँ पे हमने रोज़ा ना रखा होता ना तो एक एक कप अगर चाय का पी लेते तो मज़ा लाइक जो मज़ा था ना वो दुबाला हो जाना था. लेकिन क्या करें, अभी हम जाते हैं फिर अपना क्लास के अंदर, और फिर पहले हम क्लास लेते हैं और उसके बाद फिर बाहर निकल के इस मौसम को दोबारा इंजॉय करेंगे. सो गाइस अभी हम लोग देखा जी पहले बारिश से भागते हुए हम लोग अंदर आ गए हुए हैं, और ये जो हमारे बीच में आप क्लासरूम देख रहे हैं ये हमारी क्लासरूम है, यहाँ पे हमारी क्लास होती है. अभी जो प्रोफेसर आया था उसने कहा था कि जो हमारी शुरू की जो 3 क्लासेज हैं वो होंगी ऑनलाइन, और उसके बाद जो हमारी क्लासेज हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन ही होंगी. तो ये जो कमरा भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहीं पर हमारा जो है क्लासेज का टाइम गुजरेगा. और उम्मीद तो है कि जो भी यहाँ का जो कोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो बैड क्लासेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. लाइक मेथड जो है इन लोगों का, वे ऑफ टीचिंग इज़ प्रीटी गुड. तो उम्मीद है कि हमें यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. बाकी उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना, बाकी भी आगे देखते हैं क्या बनता है. तो अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो है 4 बजे, और अभी उसके दरमियान में 2-3 घंटे का पॉज है. तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, और बाहर देखते हैं कि बारिश मुझे लग रहा है कि रुक गई होगी बाहर. तो अभी बाहर चलते हैं फिर देखते हैं कि बाहर का क्या सीन है.
As guys, as you can see, I am standing outside the Unisport. It's of Technical University of Kaiserslautern. And in the front of me, there is a parking spot where every student can park their car. And behind me are the other buildings. And there is also a famous building, which is also known as Ken Building. It's up there, which you can see. और अभी हम जा रहे हैं टेक्निकल यूनिस्पोर्ट के अंदर, और यहाँ पे हम लोग अंदर जाके देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के लिए जो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अभी हम चलते हैं फिर अंदर, आ जाएँ। सो गाइज, अभी हम लोग आ गए हैं इनसाइड द यूनिस्पोर्ट, और बिहाइंड मी इज देयर बिग ऑडिटोरियम जहाँ पे बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की गेमें जो हैं वो कराई जाती हैं। आ जाएँ, आ जाएँ। तो जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना बाहर एक पूरा टाइम टेबल बना हुआ है, पूरे वीक के हिसाब से ना यहाँ पे क्लासेस ऑर्गेनाइज होती हैं। यहाँ पे जिसको योगा करना होता है, जिसको फुटबॉल खेलना होता है, जिसको बास्केटबॉल खेलना होता है, जिसको बटावे खेलने होते हैं, और उसको बटावों को इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ बट फुटबॉल होती है, उसको भी ये बोलते हैं। और यहाँ पे सारी ऑडियंस बैठी होती है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो गेम्स होती हैं वो चल रही होती हैं। अभी हमारा जो है वो लेक्चर फ्री है, अभी टाइम हमारा बिल्कुल खाली चल रहा है, इसलिए हम लोग ना दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो ऑफ़र की जाती हैं स्टूडेंट्स को, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी मुझे लग रहा है कि अच्छी अच्छी गेम्स जो हैं यहाँ पे होती हैं। अभी हम बाहर चलते हैं, वहाँ पे ना पूरा इनका जो एक स्केड्यूल है वो उसके ऊपर मेंशन है। सो गाइस, यहाँ पे जो है वो डे वाइज पूरा मेंशन है, जहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। ये मॉन टैग मंडे को कहते हैं, ये डेंस टैग ट्यूसडे को कहते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और ये है फ्राइडे। और हर दिन के अंदर ना जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे अब मंडे को क्या लिखा हुआ है, माउंटेन बाइकिंग है, और 7:17 इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये पता नहीं कितना बनता होता होगा, 5:30 बनते, ये 5 बजते हैं, ये 5:30 बजे है, ये 6 बजे है, ये 6:30 बजे है, जैसे सॉफ्ट बॉल है, ये डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हैं जो यहाँ पे होते हैं। और यहाँ से हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पे वो जो बटावों का मैं आपको जिक्र कर रहा था, यहाँ पे बटावे पड़े हुए हैं जो कि हमने यहाँ पे अभी आधा घंटा खेले हैं और पसीनों पसीने हो गए हैं, रोज़ा भी रखा हुआ है। और हमने इसके यहाँ ये खेलने के बाद हम लोगों ने बाहर एक वो भी खेला है, बैडमिंटन इसको क्या बोलते हैं, टेबल टेनिस भी हमने खेला है, जो कि आप लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का स्टाफ है वो आपको प्रोवाइड करता है। आपने क्या करना होता है, अपना जो स्टूडेंट कार्ड होता है वो यहाँ पर जमा करवाना होता है, और उसकी बेसिस पर फिर वो आपको ना सांस चढ़ गया चीज़ें दे देते हैं, फिर आप मतलब उनको इस्तेमाल करते हैं अपनी चीज़ें, मतलब जैसे खेल खूल लेके फारिग हो जाते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे चीज़ें अपनी जमा करवाने के बाद अपना जो स्टूडेंट कार्ड होता है वो वापस ले लेते हैं। सो जी, जैसे कि अभी हम चलते हैं बाहर। बाहर का जो वेदर है वो इस टाइम धूप निकल आई है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले अपनी वीडियो में बताया था कि जो यहाँ का वेदर है वो बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल सा है, कभी भी बारिश होने लग जाती है और कभी भी अपना धूप निकल आती है। और अभी इस टाइम जो है फुल धूप निकली हुई है, मौसम जो है बड़ा प्यारा है, हवा यहाँ पे रुकी हुई है, अभी हमने खेल खेल के ना थोड़ा थक भी गए हैं, सांस भी चढ़ गई हुई है। तो जी देख लें, जैसे पहले बारिश हो रही थी फुल स्पीड के साथ, और अभी जो है वो फुल धूप निकल आई है, अब गर्मी लगने लग गई है, पहले ठंड लग रही थी और अब जो है ना धूप की वजह से थोड़ी गर्मी फील हो रही है। तो बस अभी हम टाइम पास करते हैं जब तक हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम नहीं हो जाता। सो गाइस, अभी जैसे एज वी हैव शोड यू द यूनिस्पोर्ट, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द अदर साइड ऑफ द यूनिस्पोर्ट। और यहाँ पे जो है वो आउटडोर जो फुटबॉल होता है उनका कोर्ट बना हुआ है, क्योंकि इनसाइड भी वहाँ पे बना हुआ था और अभी आउटसाइड भी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो लोग खेलते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे राइट साइड पे अगर आप देख सकते हैं तो ये आउटडोर जो है बास्केटबॉल का कोर्ट बना हुआ है, और मैंने सुना है कि यहाँ पे जो पीछे है वो एक पूरा ट्रैक बना हुआ है जहाँ पे लोग आके रनिंग शनिंग करते हैं, या डिफरेंट किस्म की जो मैराथन्स होती हैं वो यहाँ पे करवाई जाती हैं। अभी हम जाके देखते हैं, क्योंकि मैंने भी खुद नहीं देखा हुआ कि वो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो हम जाके ना इकट्ठे एक्सप्लोर करते हैं कि अंदर उधर क्या चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं। आ जाएँ, ऊपर है पूरा एक ट्रैक बना हुआ है यार, काफ़ी खूबसूरत ट्रैक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे लोगों ने ना अपना साग भी लगाया हुआ है। इसको हम सनफ्लावर बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं, बड़े ही अच्छे यहाँ पे व्यूज़ दे रहे हैं। और यहाँ पे पूरा एक ट्रैक बना हुआ है, हमने ये जो चीज़ें सिर्फ फिल्मों में ही देखी थी, आज रियल लाइफ में एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये सब हमारे पेरेंट्स का वो है, अपना हाथ है हमारे सरों पर, तो हम लोग यहाँ पर तक पहुँचे हैं, वरना हम तो इस काबिल नहीं थे कि यहाँ तक पहुँच पाएँ। तो सबसे पहले जी थैंक यू अपने वालदैन को कि मुझे यहाँ भेजने के लिए, आपका बड़ा शुक्रिया, आप लोगों की बदौलत ही मैं ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। वहाँ पे कुछ मेरे दोस्त खड़े हुए क्लास फेलोज, बहुत ही शाये हैं, कैमरा शाये हैं, इसलिए थोड़ा लेफ्ट साइड पे खड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग जब यहाँ पर कोई ट्रैक श्रैक होगा, कोई गेम शेम होगी, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर आके ज़रूर जो है वो हिस्सा वगैरह लेंगे।
वहां पे भी लेफ्ट साइड पे भी कोई चीजें बनी हुई हैं जहां पे लोग आके गेम्स वगैरह खेलते हैं, और उसके बाद उस वाली साइड पे भी कुछ है। द कैंपस इज वेरी बिग, आप लोगों को यहाँ पे हर चीज़ अंदर करने को मिलती है। स्टूडेंट के लिए हर एक फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। जो स्टूडेंट यहाँ पे आता है वो उसको एक लाइक जो उसका जो यहाँ पे टाइम गुजरता है वो मेरे ख्याल से तो बड़ा ही अच्छा गुजरेगा, क्योंकि अभी हमारा तो पहला दिन है आज यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं स्टूडेंट को। लेकिन जो जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा वो मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो यहाँ पे आगे इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करे और अपना जो टैलेंट है उसको सामने लेकर आ पाए। अभी जी हम धूप निकला, ये तो इतना मौसम जो है इतना स्मैक्सिंग हुआ है, तो मैंने कहा चलो अब ये जो साइकिल है उसको थोड़ा सा ज़रा चला लिया जाए। तो अभी हमने साइकिल अनलॉक कर ली है, तो अभी हम ये साइकिल को एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसी साइकिल है, मज़ा क्या आता है क्लास में। यहाँ की जो मेजोरिटी आबादी है वो साइकिल ही चलाती है, इसलिए जो यहाँ साइकिल चलाना है कभी कोई शर्म महसूस नहीं करते। ब्रेकें भी इनकी जो है ना इतनी अच्छी हैं, मुझे लग रहा है कि एक जो प्राइवेट साइकिल है ना वो बंदा ले ले, क्योंकि ये आधे घंटे के लिए आपको फ्री में मिलती है, उसके बाद आपको इसका पे करना पड़ता है। लेकिन जो साइकिल है वो बहुत ही अच्छी है, आउट क्लास साइकिल है। आपको जब चलाते हैं तो मज़ा आता है साइकिल चलाने में, आप थकते नहीं हैं ज़्यादा, अच्छी साइकिल है, गुड। बस गाइज अभी हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ ली है, पहले हम लोगों ने आपको दिखाया था कि पहले काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई थी, अभी फिर बारिश शुरू हो चुकी हुई है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि यहाँ का जो मौसम है बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल सा है। सो अभी हमारी क्लास का भी टाइम होने वाला है, 10-15 मिनट बाद हमारी क्लास का टाइम हो जाएगा। सो जी अभी मैं जाऊँगा और वहाँ जाके अपनी पहले क्लास लूँगा। मेरी जो क्लास है वो है आज 2D मॉडलिंग की, तो वो 4 बजे शुरू होगी, तो अभी हल्की बारिश भी शुरू होगी भी दोबारा, तो बस चलते हैं क्लास लेते हैं जाके। सो गाइज क्लास हमने लेके अभी बाहर निकला है हमें, द क्लास वॉज प्रेटी नाइस। जो प्रोफेसर था वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा था, और जो जो उसने चीज़ें हमें सिखाई हैं वो थोड़ी सी अभी तो ऊपर ऊपर से गुजरी हैं, लेकिन ये है कि जब भी जाके दोबारा देखेंगे उन चीज़ों को और ज़्यादा स्टडी करेंगे तब हमारे ज़रा थोड़े से पल्ले पुल्ले पड़ेंगी, क्योंकि जो ये लोग इनकी जो स्टडी है वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। और तो बस अभी बारिश हो रही है, क्लास लेते वक्त जब हम आए थे तब भी बारिश हो रही थी, अभी निकले हैं बाहर तब भी बारिश हो रही है। तो बस जी आज का व्लॉग मेरे ख्याल से हम यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं फिर एक नई दिन एक नई सुबह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, आसपास सफाई रखें जैसे कि ये लोग रखते हैं, और देखना ना भूलिए एस्पेशली व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।